बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 8। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हम अर्ज़े पाक के लिए दुआ नज़म हम कर रहे थे। अल्लाहुम्मा अर्ज़े पाक के लिए दुआ के बेटा अशआर हमने 1 से 4 हमने तशरीहात कर ली थी। पांचवी जो है मैंने आपको होमवर्क दी थी, आज हम इसका छठा शेयर करेंगे। बेटा जल्दी से अपनी कॉपीज और बुक्स जो है अपनी तैयार कर लें। बेटा जी नुमान आपने हैंड रेस किया है, जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उसको बता दें कि इससे पहले पहले वाले चैप्टर्स मार्क करवा दें, कवा के बाद। बेटा वो आपको बाद में मैं करवा दूंगी, फिलहाल आप कोशिश करें कि आप क्लास रेगुलर लें। ये चैप्टर एंड हो रहा है हमारा, इसका मैं जो है वो छठा शेर और सातवां शेर बस आखिरी दो अशार है। ये करने के बाद हम दोबारा से बेटा जो है वो मुहीद दो आलम है कुदरत तेरी से हम काम दोबारा शुरू करेंगे। तो आप प्लीज अब जो ओके है वो रेगुलर रहें। चलें अब जो है वो शेर को लिखने का तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया था। बेटा जिसको जो भी बात करनी है बाद में हम करेंगे, लास्ट में पहले ही हम काफी लेट हो गए हैं। सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। आज हमें हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, इसकी तशरीह करनी है। हवाला शेर की हेडिंग दे, हवाला शेर की हेडिंग देकर एक लाइन छोड़कर लिखे नज़म का उनवान, उसके सामने लिखे नज़म का उनवान अर्ज़े पाक के लिए दुआ, फिर शायर का नाम लिखिए अहमद नदीम कासमी और मफहूम की हेडिंग दे एक लाइन छोड़ के, और उसका सामने से ही लिखना शुरू कीजिए बेटा। चलें बेटा लिखना शुरू कीजिए आप लोग। मफहूम लिखिए इसका। इस शेर में शायर ने बताया है कि दर हकीकत के दर हकीकत इस शेर में शायर ने बताया है कि दर हकीकत हुब्बुल वतनी एक अजीम ताकत है। दर हकीकत हुब्बुल वतनी एक अजीम ताकत है जो के अवाम को आपस में एक कौम के तौर पर मुत्तहिद रखती है। बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शायद प्रीवियस क्लासेस में नहीं थे, तो आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूँ। बेटा ये हमने अर्ज़े पाक के लिए दुआ जो है ये नज़म हमने आखिरी नज़म है हमारी कारवान उर्दू की हमने शुरू की थी है, और इसके 4 अशआर हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। पांचवा शेर जो था इसका वो होमवर्क था, और अभी आज हम इसका छठा और सातवां शेर करके और इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। चले बेटा मैंने आपको बताया कि शेर लिखें फिर हवाला है शेर लिखें। शेर लिखकर एक लाइन छोड़कर हवारा है शेर, फिर एक लाइन को लीफ कीजिए नज़म का उनवान, इसके सामने आप लोग खुद नज़म का जो है वो नाम आप लिखेंगे, और उसके बाद शायर का नाम लिखिए अहमद नदीम कासमी, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर मफहूम की हेडिंग दें और उसके सामने से ही लिखना शुरू कीजिए बेटा। इस शेर में शायर ने बताया है कि दर हकीकत हुब्बुल वतनी एक अजीम ताकत है जो के अवाम को आपस में एक कौम के तौर पर मुत्तहिद रखती है। इसके बाद एक लाइन लीव कीजिए, तशरीह की हेडिंग दें और नीचे से उसके लिखना आप लोग बेटा शुरू करें। जेरे तशरीह शेर में शायर ने बताया है कि जेरे तशरीह शेर में शायर ने बताया है कि हमारे मुल्क का हर शख्स
हमारे मुल्क का हर शख्स चाहे जिस शोबे से ताल्लुक रखता हो चाहे जिस शोबे से ताल्लुक रखता हो, यहाँ पे कॉमा लगेगा बेटा, उससे इस शोबे में उसे उस शोबे में अरूज तक पहुंचना नसीब हो, से उस शोबे में अरूज तक पहुंचना नसीब हो। आगे लिखिए, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क की, ये हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें, तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लगन से काम करेंगे, तभी कौमी फरीजा अदा हो सकेगा, हतमा लगाकर आगे लिखिए, मजदूर कौमा मेहनत कश ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा वक्त लगाकर ज्यादा मकदार में मसनूआत तैयार कर सकते हैं, किसान अपने खेतों में अजनास की पैदावार को ज्यादा करने का हर मुमकिना जायज तरीका इस्तेमाल करें। खत्मा लगाकर आगे लिखिए, कारोबारी हलका ईमानदारी से अशिया की खरीदो फरोख्त करें, तलबा मेहनत लगन से इल्म हासिल करें, अगला जुमला लिखिए, असातिज़ा अपनी लियाकत के मुताबिक दरसो तदरीस के काम में मसरूफ रहें, अल गर्ज हर शख्स मेहनत को शआर बना ले, तो कोई रंजीदा और बदहाल ना हो बल्कि ना सिर्फ हर शख्स खुशहाल हो जाए, कौमा मुल्क भी खुशहाल होता चला जाए, बेटा अब अगला और आखिरी शेर है हमारा, उसको आप देखना जल्दी से। आखिरी शेर है, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो।
ये शेर लिखिए और इसी तरह से एक लाइन छोड़कर हवाला शेर की हेडिंग दें। ये आपकी मेन हेडिंग है जो कि आगे मजीद दो हेडिंग पर मुश्तमिल है। नज़म का उन्वान सामने उसके नज़म का उन्वान लिखिए और शायर का नाम सामने शायर का नाम लिखिए। फिर एक लाइन छोड़कर मफहूम की हेडिंग दें और सामने से लिखना शुरू कीजिए। ये इसलिए आखिरी शेर है बेटा कि दरअसल जो इसका आखिरी शेर है बेटा वो इसका वही पहले वाला जो शेर है वही इसमें रिपीट किया हुआ है शायर ने, तो उसकी हमें दोबारा से तशरीह करने की जरूरत नहीं है। चले बेटा मफहूम लिखकर आगे लिखिए। शायर ने पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी की खुशहाली के लिए दुआ की है। बेटा ये मफहूम हमने एक जुमले में तहरीर कर लिया है। अब आप लोग जरा जल्दी से एक लाइन छोड़िए, तशरी की हेडिंग दें बेटा और साथ ही जो है वो अगली लाइन से आप लोग बेटा लिख
तशी पे तशी लिखना शुरू कीजिए बेटा। लिखे जेरे तशी शेर में शायर गवाह कर रहे हैं कि जेरे तशरी शेर में शायर दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान में बेटा आप लोग लिख रहे हैं बिलाल, नोमान, फैसल नहीं लिख रहे, क्यों? ये आखिरी शेर है, लिखे बेटा, टाइम मत वेस्ट कीजिए, फिर एक साथ इतना काम नहीं होगा बेटा आप लोगों से। पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी, ख्वा वो किसी भी मजहब से, ख्वा खे वाव अलिफ और हे आएगी गोल वाली, ख्वा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो पाकिस्तान में ऐसी पुरसुकून और वो पाकिस्तान में ऐसी पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुशहाल जिंदगी गुजारे जिसकी मिसाल कहीं ना मिले, जिसकी मिसाल कहीं ना मिले, और ये तभी मुमकिन है जब, और ये तभी मुमकिन है जब ये तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपना काम और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दे। खत्मा लगाकर लिखे आगे, वतन से मोहब्बत का एहसास, वतन से मोहब्बत का एहसास हमें मजबूर करता है कि हम अपने, हमें मजबूर करता है कि हम अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए, खुशहाली के लिए काम करें। वतन की मोहब्बत से हर पाकिस्तानी का दिल, हर पाकिस्तानी का दिल ऐसे सरशार हो कि वो वतन के फायदे को अपने जाती मफाद पर तरजीह, अपने जाती मफाद पर तरजीह देने से भी गुरेज ना करे, देने से भी गुरेज ना करे। ऐसे ही जज्बे के साथ हमारी जिंदगी खुद हमारे लिए किसी मुसीबत या बोझ की बजाय एक बहुत बड़ी रहमत होगी, हथमा लगाकर लिखिए। हम अपने मुल्क के फायदे के लिए, यहाँ पे लिए मिसिंग हो गया बेटा, हम अपने मुल्क के फायदे के लिए इतनी ही मेहनत से काम करेंगे जितना के अपने फायदे के लिए, जितना के अपने फायदे के लिए। ये जज्बा हमें अपने काम के साथ बेलौसो बेगर्स कर देता है, इसमें शक नहीं कि हम, रकम और पैसा कमाने के लिए काम
काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने प्यारे मुल्क को भी खुशहाल और मजबूत बनाते हैं। खुशहाल और मजबूत बनाते हैं। बेटा आप जरा जल्दी से आप लोग एक नजर देखें होमवर्क भी और जो रिमेनिंग मेरा सारा काम है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में, अब आज थोड़ा जो है इंटरनेट का इश्यू था इसलिए मैं टाइम आपको इतना नहीं दे सकी। एक नजर आप लोग से देख ले बेटा जो हमारा कारवान उर्दू का पहला जो हमारी नज़म है, हम उसके लिए जो है वो मैं आपको, मैंने काम तैयार कर दिया है बेटा। अब ये होगा कि मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? आप लोग चाहें तो एक नज़र यहाँ पे भी देख लें। शायर एहसान दानिश, नज़म का हम का नाम है, सवाल जवाब है पहले शेर में, शायर ने क्या बात कही है, ठीक है? दूसरा इसका जवाब इसमें मौजूद है। दूसरा है कसरत के पर्दे में वहादत तेरी से क्या मुराद है, दूसरे शेर में शायर ने किस हकीकत की निशानदेही की है, ठीक है बेटा? इसके बाद ये देखें घर का काम भी साथ साथ हो रहा है शेर। नज़म अर्ज़े पाक के लिए दुआ का तमाम काम, ये जो भी मैंने करवाया है सवालात तशरीहात ये सब आपका मुकम्मल हो जाए। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये काम चेक होगा। और इसके साथ मुहीत तो आलम है कुदरत तेरी का भी तमाम काम मैं आपको व्हाट्सएप आज कर दूंगी। ये सारा काम काइंडली इसको मुकम्मल कीजिएगा। और किस तरह के कंगन की पढ़ाई फ्राइडे को, ये सारा काम जो है आपका बेटा वो चेक होगा, ठीक है? ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो है उस पर मैं आपका नेक्स्ट काम करवाऊँ। अब देखें अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी है इसमें, जमीन आसमान पर नजर आने वाले अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर जो है वो भी इसमें लिखे हुए हैं, और अशआर तीन अशआर हैं उनकी तशरीहात भी आपको इसमें आज जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। चलिए बेटा अब जल्दी से आप लोग आ जाएं, किस किस को क्या सवालात करने हैं हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको। जी फातिमा। यस टीचर, मैंने कहना है कि आपने लास्ट लेक्चर यूट्यूब पर शेयर नहीं किया ना, जिसमें हमने शेयर की तशरीह की थी। मैं आपको बता रही हूँ जी, वो बिल्कुल वो शेयर इसलिए नहीं हुआ कि इंटरनेट के इश्यूज बहुत ज्यादा भी हैं इस वक्त। जैसे ही रिजॉल्व होता है मैं फौरन ये जो है वो अपलोड हो जाएगा, वो वाली क्लास जो है वो आपकी यूट्यूब पे विद इन अ डे और टू जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है बेटा? टीचर मेरी उर्दू ए की कॉपी भी खत्म हो गई है। जी बेटा हाँ, जिन जिन की कॉपीज खत्म हो गई है वो काइंडली अपनी प्रीवियस कॉपीज ऑफिस में ले जाएं, ऑफिस में सबमिट करवा दें और न्यू इशू करवा दें, ठीक है? ये और टीचर एक और बात कहनी है, हमने तो सारा बुक का काम कर लिया है, तो हम फाइनल में कौन सी बुक करेंगे?